जय जगन्नाथ। स्कंद पुराणर प्रथम अध्याय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विषयक परिप्रश्न पद्य भाव आसंत श्रवण करवा। प्रथम अध्याय सार श्री क्षेत्र प्रसन्न उत्तर कहती ऋषि जैमिनी शुणती सर्व ब्रह्म मुनि मुनायुचु एकाळरे मुनि गण हरि चरणे देई मन जैमिनी पासे जाई कहंती सिरे कर देई हे भगवान ऋषि वर तुमे तो ज्ञान र सागर सर्वशास्त्र र मर्म ज्ञानता परम गंभीर वक्ता सकल तीर्थर महिमा जानिछ जेणु महात्मा पूर्वे जे तुम्हे श्रीमुखरे तीर्थ महिमा प्रसंगरे कहिछ श्रीक्षेत्र महिमा परम पवित्रता सीमा जहीरे लक्ष्मीकांत हरि बिहुरुछन्ति मद भरि मनुष्य तुल्य लीलाजार ब्रह्मा शिवंकु अगोचर लोकलोचने दारु देह तत्वरे चितानंदमय जे दारु ब्रह्म जगन्नाथ अनादि अनंत च्युत अखंड अवय मुरारी करुणा सिंधु दई तारी दर्शन मात्रे मुक्ति देई दया सागर भाव ग्राही आवर तीर्थ फल दंती भकत वत्सल श्रीपति से ही पवित्र क्षेत्र वर पुरुषोत्तम नाम जार केउ पुरुष निर्माणिले विस्तारी कहिबाक भले जे परम ब्रह्म नारायण ज्योति स्वरूप निरंजन ज्ञानी नयने जेहु ब्रह्म जोगी जानती परमात्मा भक्ते कहती भगवान नित्य निर्गुण सनातन कोटि कंदर्प जिड़ी शोभा देखते जन मन लोभा से पुणी दारु देह धरी नीलकंदरे विजे करी एणु जे संशय लागई कह आम्भरे दया वही तुम्हें श्रीमुख हरि कथा शुणते तुटे भव व्यथा सकल लोक गुरु तुम्हे एघनी पचारिलु आम्भे जैमिनी वाच एवे हो शुण मुनिवर शुणि कहंती ऋषि गण पुरुषोत्तम क्षेत्र वृत परम रहस्य गुपत पूर्व कालरे कार्तिकय धीर सुशांत महाशय शिवंक मुखरु शुणिले से पुणी ऋषि मुनि मेले मंदर पर्वतरे थाई कहंती विष्णु पाद ध्याई सेठारे सिद्ध देवगण आनंदे करंती श्रवण मोहर पूर्व भाग्य थिला दैवे संग मिलिला जय कार्तिक भगवान अत्यंत प्रसन्न होइण कहती श्री क्षेत्र महिमा ब्रह्मा न जाने जार सीमा मुशुणी थी जहा तही कहि शुण मन दे हरि मुख विमुख जेऊ जन अशांत हृदय मिलन हरि विमुख जेऊ जन अशांत हृदय मलिन श्रवणे भक्ति न जन्मई एकता कहिली बुझाई एकता करिले श्रवण नाश करई तुम गुण यद्यपि देव जगन्नाथ सर्वव्यापक परमार्थ सकल कारण कारण आदि अनादि नारायण पापतापकु विनाशंती प्रभुंकु अभय दियंती तांक अभिनय धाम पवित्र पावन परम सकल तीर्थ चूड़ामणि जही विजय चक्र पाणी।
सकल तीर्थ घे निहरी नीलकंदरे विजे करी पुरुषोत्तम जगन्नाथ वेद वेदांत जे वर्णित नाम धाम रे भेद नाही सर्वदा अभिन्न अटई ए धम वास जेऊ जन ताहांक महिमा अपार ए धम ए धाम वासी जेऊ नर ताहांक महिमा अपार ए धाम वासी जेऊ नर ताहांक महिमा अपार श्री जगन्नाथ गदाधर केवल कृपार सागर अनेक जन्म पुण्य थिले तांको दर्शन न पाइबले देव दुर्लभ दर्शन अशेष मंगल कारण एबे हो शुण मुनिगण कहिबा क्षेत्र परिमाण एजे पुरुषोत्तम क्षेत्र दश योजन रे विस्तृत सागर सलिल रुजात बालुका राशि रे विशिष्ट एहार मध्यभागे पुण नील पर्वत स्वभावन पृथ्वी माता स्तन परि सुंदर दिशे नीलगिरि दूररु दर्शन कले एनो ए अनुभव हुए भले एबे शुणिवा मुनिगण जे इतिहास पुरातन पूर्व कालरे नारायण बराह रूपकु धरिण प्रलय जले थिला बही उधारी संस्थापिले नेई तहीं ब्रह्मा सृष्टि कले नदी पर्वत गिरिमाणे कीट पतंग तरु तृण एमंत करिले निर्माण मनुष्य पशुपक्षी आदि तीर्थर चिले जथा विधि सृष्टि भारे चतुर्मुख नभिले नाना भाव दुख चिंता अनेल दग्ध प्राण सर्वदा व्याकुित मन एवे मु करीब की उपाय सहाय हुओ दयामय एवे मु की करी उपाय सहाय हुओ दयामय ए सृष्टि गुरु भार मर कि भावे हेब लगु तर आबर जेते जीव गण त्रिता पवन पुण बही हुवंती निरंतर ए रूपे तांक निस्तार एमंत भावि वेदवर मन चंचल नुहे स्थिर हृदय रे होइला स्मरण हरिरे पशिबे शरण मुकतिदाता नारायण ताबिना नाई परित्राण एमंत चिंती पद्मजनी स्मृति करंती भाव घेणी श्री ब्रह्मवाच हे शंख चक्र गदाधर तुम्हें तो जगत आधार तो ना भी पद्म जन्म होई विश्व को सृजन करई एणु तुम्हको नमस्कार बोना तो शरण श्रोधर हे जगत मात्मा भगवान तुम्ह स्वरूप तुम्हें जान तोर मायारे जगन्नाथ जगत होई निर्मित तोर मायारे जगन्नाथ जगत होई निर्मित तोहर निश्वास रु जान ओंकार होई उत्पन्न तोहर निश्वास रु जान ओंकार होई उत्पन्न तो एणु शबद ब्रह्म नाम वेदे कहंती मुनि जन एणु शबद ब्रह्म नाम वेदे कहंती मुनि जन तत्सत ओंकार संयोग एक ब्रह्म तीनि भाग यही त्रिधार आश्रय नहीं संसार सृजन करई तुम्भ ठारु जे स्थूल सूक्ष्म ए प्रभु पुरुष उत्तम दीर्घ अथवा ह्रस्व शब्द सर्वदा अटन्ति अवेद जेसने सुवर्ण विकार हुई नाना अलंकार बलय केऊर कंकण एक सुवर्ण रूप भिन्न तेसने रज तम सत्व विकारे होई जगत त्रिगुण अटय सत तुम्ह शक्ति रे सत्य व्रत एणु पंडित ज्ञानी जन कहती सर्वनारायण हे ऋषिकेश भगवान जगत तोहर भियाण तुम्हें जे स्रष्टा सुष्ट वस्तु आवर पालनर हेतु आधार अध्यय स्वरूप धाता विधाता कर्ता रूप जगते जेते जीव छन्ति तोहर मायारे भ्रमन्ति शुभ शुभ कर्म मान करुणा थान्ति पुण पुण
उणी विहित कर्म करी खेलंती माया को आवरी। हे नाथ कमलांक पति तुम्हें जगतर गति पालन पोषण भरण सकल साखी नारायण। हे विश्वगुरु भगवान सकल जीवंक कारण हे जगन्नाथ चक्रधर मु तोर चरण किंकर मो प्रति होइब प्रसन्न करुणा सिंधु भगवान। जैमिनी उवाच जैमिनी कहंती हर से शुण हे मुनिगण तोषे ब्रह्मा स्मृति रे बस होई तक्षणे प्रभु भाव ग्राही नील जलद तंतु वर्ण हस्तरे शंख चक्र चिन्ह कोटि आद्यत जिणी तेज सुंदर सोए चतुर्भुज श्रीमुख पंकज सुंदर हृदरे कौस्तुभ हार गरुड़ स्कंदे आरोहण करि प्रकाश नारायण रंग धरे मंदहास जीणई सरस पीयूष ब्रह्मा वचन कर्णे शुणी हसी कहंती चक्र पाणी श्री भगवान वाच चतुर्मुख पद्मजनी जहा कहिल परिमाणी माया मोहित जीवगण नृश्चद्य कर्म रवंधन अनादि अविद्यारे पड़ी निस्त निस्तार पथ उड़ी अनादि अविद्यारे पड़ी निज निस्तार पथ उड़ी हेमंत माया बस जीव उधार हेवा असंभव तथापि कहिबि उपाय जेणे तुटिब माया मोह जनम मरण लइब निश्चय मुक्ति लभिब जगते देखी मो स्वरूपे गंजी नोहिबे भव कृपे तुम्बे मोहर भिन्न नाही एकता कहिली बुझाई जहीरे तुम रुचि होई तहीरे मोर रुचि थाई एणे जे संदय न कर हसी कहती चक्रधर लवण समुद्र रतिरे मोहा नदीर दक्षिण रे जेऊ प्रदेश अछि रही पृथ्वी मध्ये श्रेष्ठ सेही सकल तीर्थ फल पाई हे ब्रह्मा शुण मन देही से ही पवित्र क्षेत्र स्थाने निवास करती जे जने पूर्वरु जन्मर पुण्य फल भोगती तही सर्वकाल निश्चय बुद्धिमंत से ही अंते परम गति पाई मुठारे जार भक्ति नाही पुण्यर बल जा न थाई मुठारे जार भक्ति नाही पुण्यर बल जा न थाई तहीरे जन्म नही तार एवे हो शुण वेद वर एकराम कानन जानाम भुवनेश्वर शिवधाम सेठारु दक्षिण सागर पर्यंत पुण्यर संचार पदकु पद पुण्य फल निश्चय लहंती सकल समुद्र तीरे नीलाचल भुवन पावन मंगल पृथ्वी मध्य गुप्त से ही तुम्हकु दुर्लभ अटई मोहर मायारे आदृत देवे असुरे अविनीत मुसर्वसंग परिहरी सचितानंद देह धरी पुरुष उत्तम क्षेत्र रे रहीण थाई निरंतरे प्रलय तही न लागई अव्यक्त व्यक्त रूपे थाई ए पिता महवेद वर सर्वसंशय करी दूर मो रूप चक्रादि चिह्नित दर्शन करिल साक्षात मोहर आदेश घेरीण श्रीक्षेत्र करिब गमन तहीरे देखि मोर रूप अपूर्व ऐश्वर्य स्वरूप नील पर्वत मध्य स्थित अल्प बट विराजित ताहार वायु कोण जान रोहिणी नाम कुंड पुण ताहार वायु कोण जान रोहिणी नाम कुंडे पुण
তার তীর ভাগে মুই তাই চর্ম নেত্র যে দেখই তক্ষণে হুঁতি নিষ্পাপ আউ ন লাগে তিনি তাপ রোহিণী কুণ্ড জল ছুঁই হুঁতি মুক ত সদাই হে মহাভাগ বেদ বর চঞ্চল মন স্থির কর পুরুষ তম ক্ষেত্রে যাই মোহর পদ হৃদে যাই ক্ষেত্রর মহিমা দেখিব বৈকুণ্ঠ গদি গতিকু লভিব তুঙ্গ স্মৃতিরে হইতোষ কহিলি মার্গ উপদেশ তুমকু করিণ নিমিত সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুপ্ত লোক লোচনে প্রকাশিব সংসার মুকতি লভিব শুদ্ধ স্বভাব যে জন করিণ তীর্থ ব্রত দান যে ফলক ন লভন্তি শ্রীক্ষেত্রে বাসে তাহা পান্তি যে অশ্বমধ্য যজ্ঞ ফল নিশ্চয় লভন্তি সকল এবে হো মুনিগণ শুণ হেমন্ত কই নারায়ণ তক্ষণ হেলে অন্তরিত স্কন্দ পুরাণ রচিত ব্যাসতা করিলে বর্ণন সুজনে শুণ দেই মন ইতি শ্রী স্কন্দে পুরুষতম ক্ষেত্র প্রশ্ন নাম প্রথম অধ্যায়ং শ্রোতা বন্ধু আসন্তা অধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায় আমি শ্রবণ করিবা স্কন্দ পুরাণর আজির অধ্যায় এইটি বিরাম নবা জয় জগন্নাথ পুনি আগামী অধ্যায়ে স্কন্দ পুরাণর দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রবণ করিবা।